हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स। आज दी इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करांगे। इस एक्सरसाइज दे विच आप रैशनल नंबर बारे पढ़ांगे। रैशनल ते इरैशनल नंबर बारे तुसीं ऑलरेडी 9th क्लास दे विच स्टडी कर चुके होंगे। उत्थे तुसीं उहनां दी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कीतियां सी ते किस तरीके नाल रैशनल ते इरैशनल नंबर्स नूं आपां नंबर 9 दे उपर रिप्रेजेंट करना इह स्टडी कीता सी। पर उत्थे आपने रैशनल ते इरैशनल नंबर का प्रूफ नहीं किया। मीन आप नहीं दस्या जे स्केयर रूट ऑफ 2 इरैशनल नंबर आ तो क्यों। अज इस क्यों का जवाब आप इस वीडियो में देवे कि वाई स्केयर रूट ऑफ 2 इज़ एन इरैशनल नंबर। स्टार्ट करने तो पहला आपां रैशनल ते इरैशनल दी डेफिनेशन भी देख लीए। रैशनल नंबर वो नंबर सारे जिहड़े पी वाई क्यू की फॉर्म दे विच रीप्रजेंट किए जा सकते हो। इत्थे कंडीशन यह है भी जिहड़ा क्यू आ इट शुड बी नॉन जीरो, मीनिंग कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो सैकेंड अपना की है, रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म, मीनस कि जिहड़े नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म दे विच रीप्रजेंट ना किए जा सकते हो उन्हां सारे नंबरस नूं आपां कहिंदे इरैशनल नंबर। अग्गे जाण तों पहलां आपां नूं इस थ्योरम बारे भी पता होना चाहिए। इहदी स्टेटमेंट है, लैट पी बी ए प्राइम नंबर ए पी डिवाइड्स ए स्केयर दैन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम कह रही है भी जे कोई भी पी प्राइम नंबर हैगा तो जे ए स्केयर नूं डिवाइड करेगा तो पी ऑलवेज ए नूं भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का यूज आप नंबर इरैशनल प्रूव करने यूज करा, इसलिए मैं इतने इसनों आप पहला स्टडी किया। एक बार फिर दस दिना गा, जे कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर डिवाइड कर देगा तो वह प्राइम नंबर उस नंबर नू भी डिवाइड करेगा। हुण आपां वधदे आप दे अज दे टॉपिक वल, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल। प्रॉब्लम सॉल्व करने तो पहला आपां नू को प्राइम नंबरस बारे भी नॉलेज होनी चाहिए आ। को प्राइम नंबरस किहड़े हुंदे ने, वो नंबरस जिन्हां दा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होवे। ये जरूरी नहीं भी दोनों नंबर प्राइम होण जां ना होण। फॉर एग्जाम्पल 9 and 8 दोनों कॉम्पोजिट नंबर ने पर दोनों का आपस में HCF 1 हैगा, मीनस कि इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैगा 1 हैगा, ये होर किसी कॉमन फैक्टर के उपर डिवाइड नहीं हो रहे। इसमें प्रूव करने लिए आप कंट्रेरी मान लें कि स्केयर रूट ऑफ 2 आ जो रैशनल नंबर है। लैट अस अज्यूम कंट्रेरी दैट स्केयर रूट ऑफ 2 इज रैशनल नंबर। जे स्केयर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है तो आप इन पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन ए रहेगी कि क्यू शुड बी नॉन जीरो, तो इतने पी एंड क्यू दोनों को प्राइम नंबर ने, मीनिंग के पी एंड क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो 1 रहेगा। तो इतों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देने तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 आफ्टर स्केयरिंग ऑन बोथ एंड साइड्स इट विल बी पी स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर इंटू 2। हम इतना साफ क्लीयर है कि जो क्यू स्केयर एंड 2 है वह पी स्केयर के फैक्टर ने, मीनिंग के जो 2 आ वह पी स्केयर डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स पी स्केयर, आप थ्योरम पढ़ के हटें कि जे कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर डिवाइड कर देगा दैन इट विल डिवाइड दैट नंबर एज वैल, मीनिंग के जे 2 पी स्केयर डिवाइड करेगा दैन यह 2 पी भी डिवाइड करेगा। तो जे 2 पी डिवाइड करेगा तो आप लिख सकते हैं कि जोड़ा यह पी आ ए 2 का मल्टीपल आ। जे पी 2 का मल्टीपल है तो आप जी वैल्यू इतने बैक सबसूट कर देने स्टार दे विच, इन्हों पर स्टार रिज्यूम कर लेने इतने बैक सबसूट करने तो बाद इन्हें बनया 2m होल स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर इंटू 2। आफ्टर सॉल्विंग इन्हें बना 4m स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर इंटू 2। इतों कैंसलिंग करने तो बाद इन्हें रहना 2m स्केयर
इज इक्वल टू क्यू स्केयर। इतने हम आप साफ साफ देख सकते हैं कि जोड़ा टू एंड एम स्केयर आऊ स्केयर के फैक्टर्स ने गे, मीनिंग कि जोड़ा ये टू प्राइम नंबर आऊ स्केयर डिवाइड कर रहेगा। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ एनी प्राइम डिवाइड्स क्यू स्केयर दैन ओह नंबर अपना सेम नंबर भी डिवाइड करेगा। मीनिंग कि जो टू क्यू स्केयर डिवाइड कर रहा तो टू डिवाइड्स क्यू एज वैल। तो इतों आप कंकलूजन कटेगा, पहला आप कह के हटे कि टू डिवाइड्स पी, इतने आप कह के हटे टू डिवाइड्स क्यू। तो आप स्टार्टिंग ये कह के हटे थे भी जो पी तो क्यू आ उन्हों का जो एस सी एफ वन है, मीनिंग कि इन्हों का कॉमन फैक्टर वन है। पर इतने आप प्रूव करता भी जो पी तो क्यू आ दोनों टू तो भी डिविजिबल ने, मीनिंग कि अदर दैन वन इन्हों को एक टू भी कॉमन फैक्टर है। तो ये अपना जी एजम्पशन की जो आप कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी ये करके हुएगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग अपनी एजम्पशन रोंग कर ली। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरैक्ट एजम्पशन। आप इनकरैक्ट एजम्पशन की दैट स्केयर रूट ऑफ टू इज अरैशनल नंबर। यह मीनिंग की होया कि जो स्केयर रूट ऑफ टू अरैशनल नंबर। नैक्सट प्रॉब्लम कर देंगे, प्रूव दैट स्केयर रूट ऑफ थ्री इज अरैशनल। अगेन आप स्टार्टिंग कंट्रेरी अज्यूम कर देंगे, लेट अस अज्यूम कंट्रेरी स्केयर रूट ऑफ थ्री इज रैशनल नंबर। जे रैशनल नंबर आ दैन आप स्केयर रूट ऑफ थ्री नू पी वाई क्यू की फॉर्म से लिख सकते हैं। अगेन कंडीशन वेरी सिमिलर, क्यू शुड बी नॉन जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो पी एंड क्यू अगेन को प्राइम हो गए ताकि इन्हों का जोड़ा एस सी एफ आन हाईएसट कॉमन फैक्टर वन हो। नैक्सट आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कराने गए तो पी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ थ्री इंटू क्यू। आफ्टर स्केयरिंग ऑन बोथ हैड साइड्स इट विल बी पी स्केयर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्केयर। इतों साफ दिख रहा अगेन जो थ्री एंड क्यू स्केयर आ वो पी स्केयर के फैक्टर्स ने, मीनिंग जो ये तीन प्राइम नंबर आ ये पी स्केयर डिवाइड करेगा। दैन अकॉर्डिंग टू थ्योरम जे कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर डिवाइड कर देगा तो वह प्राइम उस नंबर डिवाइड करेगा। मीनिंग के थ्री डिवाइड्स पी एज वैल। तो जे थ्री डिवाइड्स पी तो यदा मीनिंग जो पी आ थ्री का मल्टीपल है। इस नंबर आप दुबारे इस भर दें इतने सबस्टिट्यूट करने तो बाद आफ्टर स्केयरिंग थ्री एम स्केयर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्केयर। आफ्टर सॉल्विंग नाइन एम स्केयर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्केयर। आफ्टर कैंसलिंग थ्री एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर। इतों देख रहे हैं जो थ्री एंड एम स्केयर है वो क्यू स्केयर के फैक्टर ने, मीनिंग के जो ये तीन हैगा वो क्यू स्केयर डिवाइड कर रहा है। दैन अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ एनी नंबर डिवाइड्स द स्केयर ऑफ एनी नंबर दैन इट विल डिवाइड दैट नंबर एज वैल। मीनिंग के थ्री डिवाइड्स क्यू, स्टार्टिंग आप जो पी एंड क्यू आर को प्राइम, मीनिंग के इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हैगा। तो वन तो बिना इन्हों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पर इतने आप दसता पी एंड क्यू तीन भी डिवाइड कर सकता है, मीनिंग के जोड़ा थ्री है वह भी इन्हों का कॉमन फैक्टर है। तो यह जी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई अगेन सिमिलर प्रॉब्लम हुई कि जी आप स्टार्टिंग से एजम्पशन की वह गलत हो गई। यह मीनिंग के जोड़ा स्केयर रूट ऑफ थ्री अरैशनल नंबर आ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरैक्ट एजम्पशन, हैंस स्केयर रूट ऑफ थ्री इज अरैशनल। प्रॉब्लम नंबर तीन, शो दैट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इज अरैशनल। आप प्रूव करने लिए स्टार्टिंग से फिर कंट्रेरी अज्यूम कर देंगे, लेट अस अज्यूम कंट्रेरी दैट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इज रैशनल नंबर। जे ये रैशनल नंबर है तो आप फाइव माइनस अंडर रूट थ्री नू पी वाई क्यू की फॉर्म के रीप्रजेंट कर सकते हैं। कंडीशन वेरी सिमिलर, क्यू शुड बी नॉन जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इतने पी एंड क्यू आर को प्राइम सच दैट देयर एस सी एफ इज वन। हुण आपां इत्थे टर्न रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज करके आप पी वाई क्यू नूं लैफ्ट हैंड साइड पर लै जाने, तो स्केयर रूट ऑफ थ्री नूं आपां राइट हैंड साइड पर लिया।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨੇਗੇ। ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀਜ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਸਿੰਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 3 ਉਹ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇਂਗੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 3 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੈਂਸ ਇਟ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟਸ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 3 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਗਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 3 ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 3 ਆ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਦੈਟ 5 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 3 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਵੀ ਕੰਕਲੂਡ ਦੈਟ 5 ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 3 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 4, ਸ਼ੋ ਦੈਟ 3 ਇੰਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 2 ਇਜ਼ ਅਰੈਸ਼ਨਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੇਰੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੰਟਰੇਰੀ ਦੈਟ 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਪੀ ਵਾਈ ਕਿਊ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਕਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਐਸ ਸੀ ਐਫ ਇਜ਼ 1। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਵਾਈ 3 ਕਿਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਇੰਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਦਿਸ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਜੰਪਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਟਸ ਕੰਕਲੂਡਿਡ ਦੈਟ 3 ਇੰਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਦੀਆਂ ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 4 ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਵਾਓ।